नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में, जिसमें कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज और उससे कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूँ तो वो आपके पास नोटिफिकेशन में आपको शो कर दे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं कुछ कंप्यूटर फंडामेंटल क्वेश्चंस नंबर सिस्टम्स के ऊपर। नंबर सिस्टम्स बेसिकली जो आपका डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर होता है, तो ये आपके नंबर सिस्टम्स होते हैं। तो आज हम नंबर सिस्टम में पर्टिकुलरली डेसिमल नंबर सिस्टम्स के ऊपर कुछ नंबर एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं आपके अपने आज के पहले क्वेश्चंस पे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ बेस इन अ डेसिमल नंबर सिस्टम इज। डेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? आपके ऑप्शन है 8, 2, 10 एंड 16। सो जो दोस्तों, जो 8 होता है वो आपका ऑक्टा नंबर होता है, 2 जो होता है वो बाइनरी होता है, और 16 जो होता है वो आपका हेक्साडेसिमल होता है, और जो 10 होता है बेसिकली वो होता है आपका डेसिमल नंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10। सो अ डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। द डेफिनेशन ऑफ बेस डिस्क्राइब्स इट इज अ क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर नंबर सिस्टम, सो दैट देयरफॉर द बेस इज 10। ठीक है, So, जो हमारा डेसिमल नंबर होता है उसमें आपके 10 डिजिट्स होते हैं, जैसे कि डेसिमल मतलब 10, सो 0 से लेके 9 तक। जो डेफिनेशन, जो इसका बेस होता है वो सब्सक्राइब, वो क्या आपको डिफाइन करता है? वो डिफाइन करता है कि आप उस जो नंबर है उसकी क्वांटिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके डिजिट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज, कन्वर्ट 110 बेस 2, सो इसको हम बाइनरी बोलेंगे, टू डेसिमल नंबर में। सो आपको 110 जो ये बाइनरी है इसको आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो आपके ऑप्शंस हैं 4, 5, 6 एंड 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हम आंसर देखते हैं, उसके बाद हम उसको देखेंगे कि कैसे हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 6। कैसे? द बेस 2 रिप्रेजेंट्स द नंबर सिस्टम इज बाइनरी। मैंने बताया था आपको कि जो 2 है वो बाइनरी होता है, एंड वेरियस द बेस 10 रिप्रेजेंट दैट इट इज कन्वर्टेड टू बी द डेसिमल फॉर्मेट। सो जो बेस 10 दिया है वो मतलब है इसका कि इसे हम डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट। तो कैसे करेंगे देखिए, जैसे कि 2 हम देखेंगे कि टोटल हमारे पास कितने नंबर है, तो उसमें से हमारे पास 110, सो 110, सो हम देखते हैं राइट मोस्ट बिट से, राइट मोस्ट बिट से हमारा 0 पे आ जाएगा, और फिर जो जो लेफ्ट का मोस्टर है वो हमारा वहां पे 1 था, 110। ठीक है, तो 0, 1, 2, सो हम करेंगे आपका लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट में हमारा 2 नंबर आएगा, तो 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 की रेज टू पावर 1, देन मल्टीप्लाई बाय सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1, एंड देन इसको प्लस करेंगे 2 टू द रेज टू पावर 0 एंड मल्टीप्लाई बाय 0। सो जो हमारा 0 जो लास्ट में 0 है वो हमारा जो डिजिट था 110 उसका है, एंड 2 की रेज टू पावर 0 मतलब ये 0 पोजीशन पे है आपका, राइट साइड में 0 पोजीशन पे, इसलिए हमने इसको 2 की रेज टू पावर 0 रखा है। जो 1 है इसके बाद वो हमारा है सेकेंड नंबर पे, एंड इसलिए हम इसको 2 की रेज टू पावर 1 करते हैं, क्योंकि जो हमारा जो डेसिमल होता है वो हमारा 0 to 9 होता है, इसलिए हमने इसको 0, 1 और फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 15, सॉरी, द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 15 इज। सो जो 15 है उसका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो इसके लिए पहले हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 15 को, फिर उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, एंड फिर इसका हम टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। सो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो आपका जो रिवर्स, उसका हम रिवर्स करते हैं। अगर 111 है तो उसको हम 000 हो जाएगा, अगर 00 है तो उसका 111 हो जाएगा। ठीक है, सो पहले हम निकालेंगे इसका
2's complement is obtained by adding 1 to the 1's complement of the number. So जो 15 का binary होगा वो 1111 होता है and इसका जो 1's complement होगा वो जाएगा 000 और जो 2 complement होगा वो आपका सबसे जो right वाली bit होती है उसमें हम plus 1 कर देते हैं तो इसलिए 0001. तो इसका जो correct answer होगा answer number B 0001. Okay, next question number 4 is Another name of base जो हमने भी लास्ट क्वेश्चन में देखा था जो बेस हम लिखते हैं बेस 2 या बेस 10 या बेस 16 उसको हम और किस नाम से जानते हैं बेस को किस नाम से जानते हैं तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी रेडिक्स. ठीक है. सो अनदर नेम ऑफ बेस इज रेडिक्स. बेस रेफर टू द नंबर ऑफ डिजिट दैट अ पर्टिकुलर नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ. द बेस ऑफ डेसिमल नंबर इज 10 एंड बाइनरी इज 2 एंड सो ऑन. ठीक है फ्रेंड्स. सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी रेडिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 0.101 होल का है बेस 2 मतलब ये बाइनरी में है और इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो आपके ऑप्शंस हैं 0.5, 0.625, 0.25, 0.875. ठीक है. सो दोस्तों जो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 0.625. कैसे वो हम समझ लेते हैं. ये हमें 0.101 का बेस 2 है इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है. ठीक है. तो देखिए द बेस इज 2 इट कुड बी इजिली गेस द नंबर इज बाइनरी. ठीक है. हमें इसे अब करना है डेसिमल में. तो कैसे करेंगे मैंने आपको बताया था 2 क्योंकि ये पॉइंट के बाद हमारा जो है वो है 0.101 है. ठीक है. तो इसलिए हम इसको माइनस में जो लगाएंगे माइनस में करेंगे. जैसे इसका कि 2 की रेस्ट पावर -1 इनटू 1 देन 2 की रेस्ट पावर -2. इसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा जो बीच वाला जो डिजिट था वो 0 था और जो लास्ट वाला डिजिट था वो 1 था. तो इसको भी 2 माइनस 2 रेस्ट पावर -3 इनटू 1. जब इस इक्वेशन को आप सॉर्ट आउट करेंगे तो इसका सही आंसर रहेगा 0.625. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द साइन मैग्नीट्यूड फॉर -3 विल बी. -3 का साइन मैग्नीट्यूड क्या होगा. आपके आगे ऑप्शंस दिए हुए हैं. अभी मेरे को जीरोस काउंट करनी पड़ेंगी तो आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा. ठीक है. मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पे स्टेबल रहता हूँ. सो फ्रेंड जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. कैसे. द साइन मैग्नीट्यूड ऑफ अ नंबर इज अ रिप्रेजेंटेशन टू डिटरमाइन इफ द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव. साइन मैग्नीट्यूड होता क्या है. वो बेसिकली किसी भी नंबर को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हमें ये देखना होता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ठीक है. तो इफ द एमएसबी ऑफ अ नंबर इज 0 द नंबर इज पॉजिटिव और अगर 1 है तो वो नंबर नेगेटिव होगा. अगर किसी का भी एमएसपी 0 होगा तो पॉजिटिव होगा और अगर 1 होगा तो वो नेगेटिव होगा. हियर सो +3 का जो हमारा एमएसपी होता है वो होता है 0000011 और -3 का जो होता है वो होता है हम उधर की तरफ 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000011. ओके. तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा. अगले क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7. अ नंबर विद बोथ इंटीजर एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट हैज डिजिट्स रेज टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर्स ऑफ 2 इन अ डेसिमल नंबर सिस्टम. सो ये आपको स्टेटमेंट बताना है ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है. इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स. इन अ डेसिमल नंबर सिस्टम अ नंबर विद बोथ इंटीजर एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट हैज डिजिट्स रेज टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर्स ऑफ 10 एंड नॉट द 2. ठीक है. लाइक 22.34 है तो इसका हमारा जो अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे. 22 है जो उसको हम पॉजिटिव के साथ रखेंगे लाइक 2 रेज टू 2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज टू पावर 1 एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 0 +3 इंटू. आप देखिए जो 3 4 है पॉइंट के बाद इसको हम माइनस नेगेटिव के अंदर करेंगे तो 10 माइनस 10 टू रेज पावर -1 प्लस लास्ट वन हमारा 4 है मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -2.
ठीक है, इस तरीके से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट्स ऑफ 14। हम 14 को हेक्साडेसिमल में कैसे लिखेंगे? सो हेक्साडेसिमल हमारा बेसिकली क्या होता है, ये हमारा होता है 16 डिजिट्स, या 16 डिजिट्स का बेसिकली एक नंबर सिस्टम होता है, जिसमें आपका 0 to 9 तक होता है, और उसके बाद फिर हमारा होता है 10 को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए, फिर बी 11, 12 का होता है सी, 13 का होगा डी, 14 का होगा ई एंड 15 का होगा एफ। तो हमारा ए टू एफ तक कैरेक्टर्स होता है और 0 to 9 तक डिजिट्स होता है, तो इसको हम हेक्साडेसिमल बोलते हैं। तो 14 का जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सही इसका है आंसर डी ई। सो तो देखिए मैंने क्या बताया था आपको, जैसे 0 to 9 होता है, उसके बाद हमारा 10 to 15 तक ए टू एफ होता है, ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेसिमल नंबर? सो निम्न दिए गए नंबर्स में से कौन सा डेसिमल नंबर नहीं है? ठीक है, तो देख के देखिए आपको, 114 भी हमारा डेसिमल है, 43.47 है, ये भी हमारा डेसिमल है, 90.9 ए है, फिर 10101 है, ये भी हमारा डेसिमल टाइप में है, मतलब बाइनरी है, लेकिन डेसिमल में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो 99.9 ए है, इसमें ए आ गया लास्ट में, ठीक है, तो ये हमारा हेक्सा डेसिमल नंबर है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 99.9 ए। ऑल द नंबर एक्सेप्ट 99.9 आर डेसिमल नंबर्स, दिस नंबर हैज अ हेक्सा डेसिमल कंपोनेंट ए, एंड इट देयर फॉर इट इज नॉट अ वैलिड डेसिमल नंबर। ठीक है, सो द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ए इज 10, इसलिए हमारा जो ये था ये हमारा डेसिमल नंबर नहीं है। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, 101 जो ये हमारा डेसिमल में है, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया है, 1100101, जी इज वैलिड इन हेक्साडेसिमल सिस्टम, क्या हमारा जी जो है वो हेक्साडेसिमल का सही कैरेक्टर है, सी रिप्रेजेंट्स 12, क्या सी 12 को रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल में, एंड द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10। जो डेसिमल नंबर होता है उसका हमारा जो बेस होता है वो 10 होता है, तो इसमें से आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो जो हमारा पहला ऑप्शन है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये सही होगा, Z इज वैलिड इन हेक्साडेसिमल, तो ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि हेक्साडेसिमल हमारा F तक होता है, A to F तक, उसमें G नहीं आता है। C जो है वो रिप्रेजेंट करता है 12 को, ये बिल्कुल सही है, 10 का A, 11 B एंड 12 को C, एंड द बेस ऑफ अ डेसिमल नंबर, सो डेसिमल नंबर का बेस हमेशा 10 होता है, बाइनरी का 2 होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। इसका जो इनकरेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B, जो इसका है वो सही आंसर है, जी इज वैलिड इन हेक्साडेसिमल सिस्टम, जी इज नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर इन दिस सिस्टम, मतलब हेक्साडेसिमल में जो रिप्रेजेंटेशन वो केवल ए टू ई तक होती है, 10 to 15 के लिए, एंड द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही, फिर से कुछ एमसीक्यूज के बाद आपसे कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।